लोकवाणी एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री आम जन से जनमन की बात करते हैं, जनता से मिली जानकारी और सरकार की योजनाओं पर आधारित बातचीत का यह कार्यक्रम की चर्चा हर कहीं पर है। गांव के गुड़े से लेकर चौपाल और शहरी आबादी तक लोग हर महीने मुख्यमंत्री को रेडियो पर सुन रहे हैं। अभी लोकवाणी की दूसरी कड़ी का ही प्रसारण हुआ है, लेकिन लोकप्रियता के मामले में यह कार्यक्रम हिट हो चला है। इस कार्यक्रम को सुनने वाले जो लोग हैं, गांव गरीब किसान के लोग भी हैं और छात्र छात्रा युवा महिला नेता भी हैं। एक नजर सीएम भूपेश बघेल की लोकवाणी पर। रेडियो सुनते ये लोग, ये छात्र महिलाएं, युवा नेता एक विशेष कार्यक्रम को सुन रहे हैं। महीने के हर दूसरे रविवार को इसी तरह का नजारा पूरे प्रदेश भर में अब देखने को मिल रहा है। जिस विशेष कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है लोकवाणी। लोकवाणी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री आम जन को रेडियो पर संबोधित करते हैं, लोगों की ओर से भेजे गए सवालों का जवाब देते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, अपने मन की बात के साथ जनमन की बात भी करते हैं। जय जोहार। सबले पहले मैं जम्मू रेडियो सुनैया मन के स्वागत करत हूँ। आम जनता खेत खार में काम बुता करत किसान भाई बहनी मल्ला, घर में अपन काम बुता करत रेडियो सुनैया हमर दीदी महतारी मल्ला, सियान और संगवारी मल्ला, नोनी बाबू मन, जम्मू ला नमस्कार, जय जोहार। आज विश्व साक्षरता दिवस है। साक्षरता यानी अक्षर ज्ञान, जैन मन क ख ग घ जैसन अक्षर और 1 2 3 4 गिनती पढ़े और लिखे बर सीख जाते उल्ला साक्षर कहे जाते। साक्षर मन ला लगातार पढ़त लिखत रहे बर लागते, जेमा वह आगु अपन काम बुता के चीज ला लिख पढ़ सकाय और अपन जिंदगी ला उजियार बना सकाय। आज के दिन ये संकल्प ले जाते कि हमारे प्रदेश के जम्मू रहुआ मन साक्षर हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में सन 2011 के जनगणना अनुसार 70% आबादी साक्षर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी की दूसरी कड़ी में शिक्षा, रोजगार और युवा विषयों पर अपनी बात कही है। उन्होंने जनता से अपील की कि प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने में सभी अपना अहम योगदान दें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम से प्रदेश के 14 से 60 वर्ष तक आयु के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं में उद्यमिता का विकास और प्रोत्साहन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं के साथ प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के मोर्चे पर बड़े अभियान प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के निवासियों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही 2 दर्जन नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। वास्तव में यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए प्रदेश के मुखिया की बात एक साथ सुदूर अंचल तक पहुंच जाती है, साथ ही उन लोगों की बात भी सीएम तक पहुंच जाती है जो सीएम तक नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार की योजनाओं को जानने मुख्यमंत्री से ही उसे समझने का एक बेहतर माध्यम है लोकवाणी। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।